हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेल। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th सेकंड चैप्टर। सो इसके बेस पर, इस टॉपिक के बेस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नीट या दूसरे एग्जाम्स में, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर एनथ ऑर्बिट, किसी भी बोहर के जो भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे दूसरे स्पीशीज जो, यानी कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उनके डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहने वाली है वो हम पता करेंगे, और किस तरह से पता करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है, उसके लिए जो इक्वेशन है माइनस जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर इंटू ये एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकती है। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में पूछा गया तो आपको फिर ये यूज करना है। जूल पर एटम आपको अगर फाइंड आउट करना है तो फिर उसके लिए इसकी जगह यहाँ पर 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम आएगा। और यहाँ पर हम जो है 2.18 × 10⁻¹ⁱ अर्थ पर एटम भी ले सकते हैं, अगर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसी तरह किलो जूल पर मोल के लिए 13.12, ठीक है। तो जेड क्या है यहाँ पर? जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। एन क्या है यहाँ पर? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कितना है, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में एनर्जी कितनी है वो हम यहाँ पर पता करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया तो उसी तरह से आप जो है वो इसका आंसर दीजिएगा। जैसे ये नीट में 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन 52, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो है सी, 13.6 अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो 13.6 बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो अब फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन की, उससे पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर -13.6 क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 आ गया हाइड्रोजन का, एंड डिवाइड का यहाँ पर। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी एनर्जी निकल कर आती है फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के, ओके। यहाँ पे हम सबसे पहले आएगा सेकंड शेल की बात करें, सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पर -13.6 यहाँ पर ऑर्बिट नीचे लेते हैं हम, तो इसका सेकंड ऑर्बिट है, तो 2 का स्केयर लेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, तो -13.6 अपॉन 4 यहाँ पर जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12, और यहाँ पे आ गया 16, तो 4 × 4 = 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाता है इसकी एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट की बात करें यहाँ पर, तो -13.6 यहाँ पर हमने थर्ड ऑर्बिट का यहाँ पर स्केयर ले लिया, 3 × 3 = 9 क्योंकि इसका स्केयर लेना होता है, और यहाँ पर 9 से जब इसको 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा, ठीक है, 9 × 1 = 9, ठीक है ना। तो उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट में हम बात करें तो यहाँ पर एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर 4 का स्केयर लिया 16, तो यहाँ पर 1 जो था वो एटॉमिक नंबर था वो हमने नहीं लिया, ठीक है ना। तो -13.6 को जब 16 से जब डिवाइड करेंगे तो -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो है हमने सभी जो ऑर्बिट्स हैं उनकी यहाँ पर एनर्जी जो है वो फाइंड आउट की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस क्या आता है, तो यहाँ पर जब फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाएगा तो यहाँ पर इनका एनर्जी डिफरेंस हम लेंगे, E2 हमारे पास सेकंड शेल की एनर्जी कितनी थी, -3.4, और यहाँ पर माइनस का माइनस लिया हमने, और फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो हमने फाइंड आउट की। तो इन दोनों को -2 - क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -3.4 प्लस 13.6 का आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो डिफरेंस जो है ये आया है। अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर अगर हमने देखा फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सेकंड सेल से थर्ड में जाता तो उनके जो एनर्जी डिफरेंस है वो जो आता है सामने यहाँ पर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसी तरह थर्ड से फोर्थ सेल में जाता है तो यहाँ पर हम
जो है एनर्जी डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है, ठीक है ना, बहुत nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 थी, सेकंड में -3.4, यानी कि फर्स्ट में मोर नेगेटिव थी और सेकंड में उससे कम नेगेटिव, यानी कि सेकंड जो है एनर्जी ज्यादा है। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी थी वो कितनी थी, -1.5, यानी कि सेकंड से ज्यादा थर्ड में, एंड -0.8 यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी जो थी वो थर्ड से ज्यादा, यानी कि एनर्जी जो है वो बढ़ रही है ऑर्बिट्स के यहाँ पे हिसाब से, लेकिन जो उनका डिफरेंस है वो डिक्रीज कर रहा है, 10.2, उसके बाद फिर 1.9, उसके बाद फिर 0.7। तो इस तरह से जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो रहा है लेकिन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है वो आपको बहुत ही ध्यान से ये समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर nth ऑर्बिट में, जो यहाँ पर देखिए आप एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर बात करें तो वो इंक्रीज कर रहा है, E1 से ज्यादा E2, E3 या E4, यानी कि एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस अगर लेते हैं तो वो घट रहा है। यहाँ पे आया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था 2013 में, आया नीट में क्वेश्चन। देखिए N1 अगर हम बात करें हाइड्रोजन केस में, यहाँ पर हमने जो निकाला तो ये ज्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है ना, -13.6 एज कम्पेयर टू N4 की यहाँ पर क्या हमने निकाले थे, -0.8, ठीक है। तो यहाँ पर -0.8 यानी कि ये ज्यादा है, N4 की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू N1, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते कि N1 मोर नेगेटिव एंड N4 इज लेस नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखना है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, इलेक्ट्रॉन वो बहुत अच्छे से जो है वो टाइटली बाउंड होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, अगर आपको देखने हो रहे ये क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर सामने, ये नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर बेस्ड ऑन इक्वेशन एनर्जी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर -2.178 × 10⁻¹⁸ जूल ये इक्वेशन लिया है, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं, और यहाँ पर हमें बताना है कौन सी सही स्टेटमेंट है कौन सी गलत है, ठीक है ना। सबसे पहले इक्वेशन ए है, ए ऑप्शन है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है फॉर N1, यानी कि फर्स्ट शेल द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, तो बिल्कुल सही है यहाँ तक, देन इट डज फॉर N6। तो ये तो है कि जो N1 वहां पर मोर नेगेटिव एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू N6, यानी कि सिक्स शेल में, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट लोवेस्ट अलाउड ऑर्बिट, तो ये गलत बात है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है मोर लूजली बाउंड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आधी स्टेटमेंट तो सही दी थी। उसके बाद देखते हैं सी, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ इलेक्ट्रॉन वर एट इनफिनाइट डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल सही है। जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है न्यूक्लियस के पास वो कम है एज कम्पेयर टू अगर वो बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, ठीक है ना। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, तो बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा मतलब एन की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो वहां पर जो है रेडियस भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे वो पूछ सकते हैं, तो होप ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको काफी मदद मिली होगी। तो कुछ अगर सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।